आप सभी का स्वागत है ई आई एस पी एजुकेशन में। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जितनी भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों को तो एक बात पता है ही कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुश्किल से आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। तो इस 10 दिनों में आप लोग अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे आप किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो अभी लॉन्ग टाइम के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं यूनिवर्सिटी के जो पेपर होती है, अगर आप बीएससी का पेपर उठा लेते हैं तो आप लोगों के जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो कंपलसरी होते हैं। उसके बाद सेक्शन ए सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होता है वो डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होता है वो 9 मार्क्स के होते हैं, सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो 9 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से पूरा पेपर आता है, यानी कि अगर 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 पेज तो लिखना ही होगा। साथ में उसमें कौन कौन से टिप्स होने चाहिए जिन्हें कि आप अपने क्वेश्चन में दें ताकि आप लोगों को और अच्छा मार्क्स मिल सके। तो ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है आप लोगों के लिए भी वीडियो बेनिफिट देगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर पाने के लिए कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में अगर कोई गलती की तो किस तरह से सेकेंड ईयर में, क्योंकि पिछले ईयर तो फर्स्ट ईयर के पेपर हुए नहीं है। तो अगर हो सकता है कि जो पिछले ईयर अपना एडमिशन करवाए होंगे उनके लिए तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ये फर्स्ट टाइम होगा जब वो देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पेपर तो हुआ नहीं, आप लोगों को प्रमोट किया गया। लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे आप लोगों को तो पता है कि आप किस तरह से पेपर होते हैं, तो आप लोगों को पेपर का पैटर्न तो पता है, लेकिन आप किस तरह से उसमें और अच्छा नंबर पा सकते हैं, कौन कौन से टिप्स हैं जिन्हें आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ज़रूर देना चाहिए, तो इसको लेके स्टेप बाय स्टेप पूरी बातें जो हैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें बेनिफिट हों और आप लोगों को एक अच्छा मार्क्स मिल सके। तो एक एक करके पूरी जानकारी भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक अपने टाइम टेबल को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से या तो फिर टेलीग्राम चैनल से जाके सबसे पहले तो अपने टाइम टेबल को डाउनलोड कर लें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो किस दिन आप लोगों की कौन सी परीक्षाएं हैं। तो अब एक एक करके बिना टाइम वेस्ट किए पूरी जानकारी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है ये बीए प्रथम वर्ष का समाजशास्त्र का जो कि सेकंड पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण के उभरते प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये 2021 के एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कोई भी ईयर होता है, तो अभी आप लोगों को इस टाइम पे क्या करना है कि जब भी आपको लॉन्ग टाइम क्वेश्चन याद करना है तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है बिल्कुल आपको कहानी की तरह पढ़ना है। जिस तरह से हम लोग बचपन में कहानी को पढ़ते थे ना, सेम बिल्कुल आपको उसी तरह से, आपको ये नहीं सोचना है कि आप उसको याद करने के लिए बैठे हो या फिर एक क्लाइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में डालना है क्योंकि एग्जाम में जाके लिखना है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको कहानी की तरह उसे पढ़ लेना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको यही करना है कि आपको कहानी की तरह पढ़ना है। जब आपने इसे कहानी की तरह पढ़ लिया तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को देखना है यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको उन सन को देख लेना, उसके बाद से इसमें कितने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके या फिर हेडिंग करके यहाँ पे आप लोगों को कितने हेडिंग दिए गए या फिर कितने पॉइंट दिए गए, उन हेडिंग को आपको देख लेना है कि यहाँ पे कौन कौन से हेडिंग है और उस हेडिंग में कौन कौन से अगर कोई ईयर दिए हो या तो फिर किसी महापुरुष के नाम दिए हों या फिर किसी साइंटिस्ट के नाम दिए हों, यानी कि अगर उसमें कोई भी नाम दिया गया जिसे कि बोल्ड किया गया, आपको उस नाम को भी अच्छे से एक बार देखना है। तो पहला स्टेप कि आपको बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ना है, सेकंड में आपको जो भी इसमें हेडिंग दिया हो या फिर आप लोगों को उसमें पॉइंटिंग वाइज लिखा हो या फिर उसमें जो भी सन है आपको उसे अच्छे से पहले याद करना है। और अभी क्या है, टाइम बहुत कम बचा, तो अभी आप लोगों को स्मार्टली आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी आप सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते हो, आप जब सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पैनिक हो जाओगे, आप लोगों को डर लगने लगेगा कि यार ये भी क्वेश्चन है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अभी आप लोगों को वो क्वेश्चन करना है जो कि 2015 के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 2015, 16, 17, 18 इस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आपको बस इन्हीं ईयर के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। और अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे तो मुश्किल से आपको एक चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो कि ऐसे होंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को उसी तरह से जो क्वेश्चन है आप लोगों को उसको पढ़ लेना होगा। जब आप एक बार ऐसे कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके माइंड में वो जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या, आप लोग पूरा फोकस अपने क्वेश्चन को पढ़ने पे करेंगे। अगर आपको जिस तरह से हमने कहा कि एक बार आप कहानी की तरह पढ़ लें, उसके बाद से उसमें आप लोगों को जो भी ईयर दिखते हैं, जो भी हेडिंग पॉइंट दिखते हैं,
अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार इस तरह से बिल्कुल फॉलो करके अभी आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं कि क्या आप उस क्वेश्चन को लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं और कितना पेज लिख पा रहे हैं। इससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या ये आपके लिए बेनिफिट करे या फिर नहीं करा, और बिल्कुल बेनिफिट करेगा, आप लोगों को बिल्कुल भी ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को कहानी की तरह पढ़ना होगा, उसके बाद से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट ईयर दिए गए हैं, जो भी सन है, जो भी हेडिंग है, आपको बस उसको एक बार अच्छे से अपने माइंड में रिपीट करते रहना। इससे कि आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो याद हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को जब पेपर लिखना है, मतलब जब आपको क्वेश्चन पेपर आता है, जब आप उसका आंसर देते हो, तो उस आंसर में भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को तो केयरफुल्ली आप लोगों को पढ़ना है। जब आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है उसके बाद से जैसे हमने कहा है कि आप लोगों को बिल्कुल उस तरह से आप लिख लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को लिखना होगा। साथ ही अगर आप उस क्वेश्चन में आप तो हेडिंग को लिखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट ईयर है वो तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उसके साथ में अगर आप एक चीज़ को और जोड़ देते हो ना, वो है फ्लो चार्ट। अगर आप फ्लो चार्ट को अपने क्वेश्चन अपने आंसर में दे देते हो उस क्वेश्चन के आंसर में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट बनता है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी हेडिंग लिखते हो उसका एक फ्लो चार्ट कर दें, और उस तरह से ये जो आपको फ्लो चार्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे कोई एक फ्लो चार्ट बना दें जो कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा नंबर दिला सकता है। तो आपको अभी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को जैसे हमने कहा, जैसे यही क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे ये सारे इतने सारे दिए हुए हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स दिए गए, जैसा कि विविधीकरण का महत्व है, संस्कृति का आरंभ है, गतिशील में वृद्धि, तो इस तरह से जो भी आप लोगों के सामने हेडिंग दिख रहा है बस आपको इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो भी ईयर के क्वेश्चन है आपको वो सारे ईयरली जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है अपने क्वेश्चन को याद करने में तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई और भी प्रॉब्लम है अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, को और भी कोई आपकी कॉलेज की ओर से कोई नोटिस जारी होती है, कोई टिप्स होगी आप लोगों को बताने की तो हम बिल्कुल बताएंगे आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।